इसीलिए हर समस्या का समाधान क्या है ये मुख्यमंत्री के पास क्या है सालों में बिहार का विकास नहीं हुआ वो लोग
आज बिहार में विकास की बात करेंगे, हर हालात देख लीजिए बिहार के, हर कार्य के लिए बिहारियों को दूसरे प्रदेश जाने के लिए मजबूर होना चाहिए। मैं दिल्ली में रहा, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई का कोई लड़का ना कि बिहार आए लोगों के लिए, तो फिर क्यों क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? क्या बुजुर्ग मौजूद है? एक तो हम देखते हैं दिल्ली में जाकर एम के सामने लाइन लगा कर खड़े रहेंगे, दिनों दिन तक डॉक्टर से देंगे, क्यों ये सुख सुविधा हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? अगर दूसरे राज्यों में अगर अस्पताल बने तो हमारे राज्य में क्यों नहीं बने? भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है भैया कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चौचौराहे शहर बने और वही दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जिसको आज भी विकसित राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है? दूसरे राज्यों में लोग जब विकास की बात करते हैं तो बात करेंगे भैया शॉपिंग मॉल की, मल्टीप्लेक्सेस की, मेट्रो ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, पर हमारे प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद आज जब हम लोग विकास की बात करेंगे तो हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एक चापा कर गए, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफॉर्मर, कैसे हमारे घर के सामने नली गली बने, ये विकास की सोच बिहार में सीमित होकर रह गई है। और आज जब जिला प्रशासन इस सोच के खिलाफ एक विकसित राज्य बनाने की बात करता है, इस सोच के खिलाफ बिहार को नंबर वन राज्य बनाने की बात करता है, जब चिराग पासवान बिहार को बस और बिहारियों को बस बनाने की बात करता है, जब बिहार को बस और बिहारियों को बस बनाने की बात करता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गुस्सा आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी शक्ति लगा दी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने के लिए। क्यों भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का, क्या गुनाह है चिराग पासवान का? ना हमारे पास कोई आज से ज्यादा संपत्ति, ना हमारे पास कोर्ट के कहने में कोई मुकदमा चल रहा, तो फिर क्यों क्यों सारी शक्तियां चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती है? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है। बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार में उद्योग बनाने की बात करता है, आईटी जॉब आईटी सेक्टर की बात करता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, किसानों के हक अधिकारों की बात करता है, मजदूरों के हक अधिकारों की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, युवाओं के भविष्य की बात करता है। इसीलिए तमाम शक्तियां एक साथ होकर चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे समाप्त करेंगी जब चिराग पासवान के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं मिला तो इन्होंने षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? तो षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, पर नहीं टूटा चिराग पासवान। कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का सामान इसकी माँ बूढ़ी नानी के साथ घर से निकालकर सड़क पर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है।
ना झुकने वाला हूँ और ना झुकने वाला हूँ। तो कहता हूँ भैया मैं किसी को नहीं हूँ, जितनी ताकत आसमानी है आसमान में सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जरूरी है विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना, जरूरी है ऐसे नेता और ऐसे राजनीतिक दलों को सत्ता में छोड़कर लाना जो लोग सही में बिहार में विकास की बात करें। और जितने लोग बिहार की सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं उन्होंने सिर्फ जमा धरा धरा की राजनीति करने का चांस है। कभी दलित को मार जाने, कभी पिछड़ा को अभी पैसा, कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लाल, कभी कुछ, कभी कोई, कभी कुंडी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ उन लोगों को बांटने का काम किया। और बदले में अंग्रेजों को क्या मिला? आज भी बिहारी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहे, आज भी बिहार में छोटी छोटी सुविधाएं हम लोगों के बड़ी समस्या बना हुआ। आज एक बरसात नहीं होती कि सड़क के हालात नहीं हो, आज पूरा बिहार जल जमाव से ग्रस्त है। और यह हर साल की समस्या, कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बैल सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बना देगा। इस गर्जने में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री हो रहेंगे, उस गर्जने में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री हो ही रहेंगे। तो जो मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, जिनके लिए सिर्फ राजनीति का मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? आज कहीं पर प्रधानमंत्री बनने की बात आती है विपक्ष के द्वारा, तो सबसे पहले भागे भागे कौन पहुंचते हैं? कौन पहुंचते हैं? नीतीश कुमार जी। अब बिहार में जो रोज हत्याएं होती है, बलात्कार होता है, अपहरण होता है, डकैती होती है, उसमें कभी देखे नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए? उसके बाद बातें देख लीजिए कि भाई 10 लाख क्या हम 20 लाख रोजगार देंगे, 20 आदमी को भी रोजगार मिला है क्या? मिला है किसी को रोजगार? अगर मिला तो हाथ उठाकर बोले मिला किसी को? मिला किसी को? एक तो हालात है मुख्यमंत्री, और यहाँ पद से बदतर हालात के जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो मुख्यमंत्री बिहारियों को बांटने की राजनीति करते हो, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पढ़ने लिखने नहीं देते हो, क्या बोले थे भैया मुख्यमंत्री कि बिहार में उद्योग नहीं खुलेगा? बोले थे ना, ज्यादा बोले थे पिछले चुनाव में, पिछला चुनाव में क्या बोले थे कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता, जो बिहार का भूगोल अच्छा भैया, दिक्कत बिहार के भूगोल में नहीं है, समस्या मुख्यमंत्री जी की नीयत में है, जो चाहते नहीं नहीं कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, तो अगर बिहार का युवा पढ़ लिख हुआ तो अपने हर अधिकार की मांग करेगा, जैसे आप चुनाव का हुआ मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारों की मांग करता है। और इस बात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरते हैं, डरते हैं मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं से, डरते हैं बिहार में होते हुए हर अधिकार की मांगों से, इसीलिए हर समस्या का समाधान क्या है मुख्यमंत्री के पास क्या है? बताएं क्या समाधान ढूंढे, बताएं क्या समाधान ढूंढे।
ऐसी जानदार मुख्यमंत्री के पास साथ सरकार उतरेगा तो क्या देंगे छात्रों को? शिक्षक सरकार उतरेगा तो क्या देंगे? अभियंता सरकार उतरेगा तो क्या देंगे? किसान सरकार उतरेगा तो क्या देंगे? पार्टी समाज के अधिकारों के सरकार उतरेगा तो क्या देंगे? ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुधार, ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आपके हकीकत है भैया, हकीकत है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है तो ये भेद है, तो वो इतना ये कमी जो अभी होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म नजर के लोग हैं, जब तक उस गरीब जाति के हर व्यक्ति को हम लोग हाथ पकड़ कर मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक फिर से बिहार की कल्पना हम लोग कभी नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है बिहार का एक युद्ध होगा और बिहार में का एक युद्ध होगा, यही आग्रह करने आज आप सबके बीच आ रहा हूं। बिहार तो जातियों में मेरा सरकार ने बांटा गया, बिहार को अलग अलग धर्म समुदायों में बांटा गया, पर हम थोड़ी में थे जात पात धर्म नजर से उठेगी, और यह आवाज मैं खास तौर पर अपने तमाम युवा साथियों से करूंगा कि जात पात धर्म नजर से उठकर एक हो, पहले हम बिहारी है और उसके बाद कोई जाति है और उसके बाद कोई धर्म है, उसके लिए एक जो होकर बिहार को फर्ज और बिहारियों को अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव का ध्यान एक ईमानदार प्रयास कर रहा है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, पर मैं जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता, चिराग पासवान को जरूरत है आप सब, आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के हर एक गांव, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक समझौता, हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार को और बिहार की जीत की जमीन बनाना होगा। चलेंगे चलेंगे चिराग पासवान धन्यवाद।